हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है, मैं कोर्स एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग भी अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं, यूके, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और कोई भी अच्छी कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं, हम लोगों से जुड़े, हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम आपको गाइड करेगी, हेल्प करेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए बेल आइकन पर भी हिट कीजिए। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप यूके स्टडी वीजा के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको अपने शो फंड्स कैसे शो करना चाहिए, अपने जो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कैसे करनी चाहिए। देखिए, अगर हम लोग आज के दिन की बात करें, जो नेक्स्ट ईयर जनवरी से बढ़ने वाला है आपका शो फंड, उसकी बात नहीं करूंगा मैं आज। आज के दिन की बात करें, अगर जैन इनटेक के लिए वीजा एप्लीकेशन कर रहे हो, रिसेंट कमिंग नियर फ्यूचर में आप कर रहे हो, तो आपको जो शो फंड्स दिखाना पड़ता है उसमें आपको अपनी ट्यूशन फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस दिखानी पड़ती है। ट्यूशन फीस माइनस स्कॉलरशिप, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, माइनस एनी डिपॉजिट पेड, आपको प्लस लिविंग एक्सपेंसेस ऐड करना पड़ता है। अगर लिविंग एक्सपेंसेस, लिविंग कॉस्ट की बात करें, तो अगर आप लंदन जा रहे हो, 1334 pounds पर मंथ, विच कम्स टू 12006 फॉर 9 months टोटली। और अगर आप नॉन लंदन लोकेशन में जा रहे हो तो 1023 pounds पर मंथ, और इसको भी 9 months के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 9207 GBP आपको शो करना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा कि सोर्स ऑफ फंड्स, आप किस तरह के फंड्स को शो कर सकते हैं। देखिए, आप पर्सनल सेविंग अकाउंट में फंड शो कर सकते हो, अपने पेरेंट्स या लीगल गार्जियन, मेनली पेरेंट्स के अकाउंट में आप शो कर सकते हो फंड्स। और जो फंड्स हैं ये 28 दिन से ज़्यादा पुराने होने चाहिए। और जब आप वीज़ा एप्लीकेशन करने जाओ तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो लास्ट 31 days के अंदर आपने जो है बैंक से इशू कराई हो और स्टैम्प्ड हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, ताकि आपका जो वेरिफिकेशन है वो प्रॉपरली हो सके। इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट लोन ले रहे हो, एजुकेशन लोन ले रहे हो, तो लोन सैंक्शन लेटर आपको देना पड़ता है बैंक से। और लोन सैंक्शन लेटर में क्लियरली अमाउंट मेंशन होना चाहिए जो कि आपकी लिविंग और ट्यूशन फीस दोनों को कवर करता हो। साथ ही साथ स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप की बात करें, अगर आपको कोई स्टेट से या आपका किसी यूनिवर्सिटी से या कहीं से कोई स्कॉलरशिप मिली है, तो प्रॉपर ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप लेटर आपको प्रोवाइड करना पड़ता है यूनिवर्सिटी को। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट्स के साथ साथ ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप लेटर या स्टूडेंट लोन लेटर आपको लगाना पड़ता है जब आप अपने शो फंड्स पे काम करते हो। और अगर बैंक स्टेटमेंट हो तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऑफिशियल बैंक स्टेटमेंट में अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, डेट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और साथ के साथ आपका जो अकाउंट है वो 28 दिन से ज़्यादा का आपका स्टेटमेंट शो करना चाहिए। ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप लेटर की बात करें, अगर आपके केस में ये लागू होता है, एप्लीकेबल होता है, तो ये भी एक ऑफिशियल लेटर हेड में होना चाहिए। स्पॉन्सर का नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ड्यूरेशन ऑफ द स्पॉन्सरशिप एंड द अमाउंट दे विल प्रोवाइड, ये सारी चीज़ें क्लियरली मैंशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट लोन ले रहे हैं तो आपका लोन अमाउंट और जो बैंक की TNC है, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो क्लियरली मैंशन होनी चाहिए। अच्छा, एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि अगर आप अपने माताजी पिताजी का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का जो है अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में आपको एक कंसेंट लेटर लेना पड़ता है अपने पेरेंट्स से, जिसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए कि हमारे अकाउंट में आज के दिन इतने पैसे और ये हमारे बच्चे की एजुकेशन के लिए, और हम लोग को पता है वो यूज़ करने जा रहे हैं ये फंड्स, और हम लोग, हमारे को इससे कोई आपत्ति नहीं है। ऑब्वियसली इंग्लिश में लिखना है एंड ये आपको चाहिए रहता है। इसके साथ साथ आपको अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेजरली जितने स्टूडेंट्स हैं वो बर्थ सर्टिफिकेट वाले पॉइंट में मार खा जाते हैं, और एंड मोमेंट में उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट में तो नाम गलत होता है या नाम नहीं होता है, इस तरह की परेशानियाँ आती हैं। और आपको करेंसी कन्वर्जन का भी खास ध्यान करना पड़ता है, जब आप अपने फंड शो कर रहे हैं तो करेंसी को ठीक से कन्वर्ट करके उसको अपने उस पर आप जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगाते हैं, बाकी चीज़ें हैं उसमें आपको लगाना होता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक वीज़ा आउटकम नहीं आए तब तक आपको अपने फंड्स जो हैं वो विड्रॉ नहीं करने होते। आई होप हमारा जो ये वीडियो है आपको पसंद आएगा, हेल्प करेगा। अगर आप भी यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, कहीं पर भी जाके पढ़ना चाहते हैं, दुबई, हम लोगों से जुड़िए, कनेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी, हेल्प करेगी एंड आपके प्रोसेस में आपको मदद करेगी। मे गॉड ब्लेस यू, आई विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी।